क्रांति जो कदर ऐसे कराऊं तुमको, आओ भक्तो श्री वृंदावन घुमाऊं तुमको, आओ भक्तो श्री वृंदावन घुमाऊं तुमको। लीला वृंदा विपिन की तीन लोक ते नारी। गोपियां कहती हैं नंद गोप सुतम दे, हे माँ ये हमें पति के रूप में मिल जाए ऐसी कृपा करो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र जमुना तट से चुराए और गोपियों को कहा जमुना से आप बाहर आओ। गोपियां बोली महाराज हम बाहर आएंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। बोले तुम्हें दुनिया की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। अगर तुम अभी तो हम ही को मांग रही थी, तुम कात्यायनी देवी से हम ही को मांग रही और हमारे से ही पर्दा। कहते कि ये कैसा भगवान है जो स्त्रियों को कहता है निर्वस्त्र आ जाओ निकल के जमुना जी में से। जब हमारा जन्म हुआ था कितने वस्त्र थे हमारे तन पे, बोलना जरा। और जब जाते हैं तब कितने वस्त्र होते हैं, जवाब दो। आए कहां से, जोर से बोलो, आए कहां से और जाएंगे कहां। तो जब आए थे वस्त्र नहीं थे, जा रहे हैं तो वस्त्र नहीं है। पर दुनिया में आए तब वस्त्र पहनना, ब्रांडेड अनब्रांडेड जो भी, यहां शुरू कर दिया। क्यों कर दिया, बोले भाई मजबूरी है, दुनिया में रहते हैं तो इनसे पर्दा करना पड़ेगा। लेकिन भगवान से कैसा पर्दा। जब तक जीव का पर्दा भगवान के सामने से ना हटे, मंदिर का पर्दा अगर लगा रहे और आप मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े रहो तो आपको भगवान का दर्शन होगा। अब क्यों कहते हो भगवान से पर्दा हटाओ, जरा पर्दा हटाओ हर वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरे पर्दे ने बहुत सताया, सुंदर मुखड़ा जो हमसे छिपाया, तेरी पर्दे ने बहुत सताया, सुंदर मुखड़ा जो इसने छिपाया, तेरे तरसते हैं यहाँ पे दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, मुख से पर्दा। तुम क्यों कह रहे हो भगवान से पर्दा हटाओ भाई, ऐसे ही भक्त हो तो पर्दा रखो, पूजा करो और जाओ। नहीं महाराज, जब तक पर्दा रहेगा तब तक हम आपका दीदार कैसे करेंगे, आंखें चार कैसे करेंगे, अपने मन का जो भाव है वो आपके सामने प्रस्तुत कैसे करेंगे। पर्दा हटाइए। अभिप्राय यह है दुनिया चाहती है पर्दा हो तो पर्दा रखो, और जब भगवान चाहते हैं कि मेरे और तेरे बीच में अगर कोई पर्दा होगा इसका मतलब है अभी भी तेरे मन में कोई पाप है। तू स्त्री पुरुष जब तक समझता रहेगा, जब तक तू स्त्री होने का या पुरुष होने का भाव मन में रखेगा तब तक तू मुझे कैसे प्राप्त होगा। अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो स्त्री पुरुष का भाव समाप्त करो। गोपियों ने कृष्ण की बात मानी और जमुना से ऐसे ही निकल आई तो श्री कृष्ण से कहने लगी अब क्या करें महाराज। कृष्ण बोले ये वस्त्र लो, धारण करो और जाओ अपने पतियों के पास में। आज के बाद बिना वस्त्र के जमुना नदी में स्नान मत करना। बोले महाराज अब तो आप हमें प्यासा छोड़ के जा रहे हो, अब तो आपके हो गए तो अब दुनिया के आगे हम क्यों जाएं, अब तो आप ही अपनी शरण में हमको रख लो। तब श्री कृष्ण कहते हैं रास करूंगो शरद को वहीं मिलियो तुम आए, मैं शरद पूर्णिमा के दिन रास करूंगा, तुम मुझे वहीं पर आकर प्राप्त करना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा, शरद पूर्णिमा को रास करो। तो वही रात्रि जो उस समय थी वो विशेष रात्रियां श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार गोपियों की भावना को पूरी करने के लिए इस समय पूर्णिमा की रात्रियों के रूप में उपस्थित हुई। उन रात्रियों को देखकर श्री कृष्ण ने उन गोपियों के मन के भाव को पूरा करने का अपना मन बनाया और मन बनाकर श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन किया। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़े। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज।
फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ ठाकुर_G फॉलो करें।